बिलीव तो रखो पांड्या मियां, बिलीव ही नहीं रखा हुआ ना, बॉलिंग में बिलीव है आपको ना बैटिंग में बिलीव है, इंटरव्यू देते हुए हंसते हो साफ बताता है कि कॉन्फिडेंस चेक हुआ हुआ है पांड्या में और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो इस टाइम पर है ना, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब आप मुझसे पूछेंगे क्यों, पांड्या को पता है मेरे पाए का ऑलराउंडर कोई है ही नहीं इस वक्त इंडिया में जो बॉलिंग भी करता है और बैटिंग भी करता है, कोई है नहीं, मैं तो लाजमी टीम में हूंगा। ये दिमाग का एक फतूर है, क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं होता है। आप जो जायसवाल कमाल कर रहे हैं भाई, छक्के और चौकों की बारिश कर रहा हैरानी है इस टाइम टीम इंडिया के लिए, और परेशानी है, हैरानी इसलिए कि जायसवाल की बैटिंग देखकर हैरान हो रहे हैं, और परेशानी इसलिए कि भाई अगर जायसवाल को कैसे और किस मुंह से बाहर बिठाएंगे। 8 बॉल 104 रन यार, रिमेम्बर द नेम यार, मुझे पता था जायसवाल की एक बड़ी बारी आएगी, और क्या डोमिनेटिंग किस्म की बारी आई यार, धागा खोल के रख दिया छपरी 11 का भाई, हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की बैंड बजा के रख दिया। इसको बोलते हैं कि बैक करना अपने टैलेंट को, वी नो दैट ही इज अ वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर, छक्के वो टेस्ट में उतने इतने छक्के मारे, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया, वसीम अकरम का रिकॉर्ड बराबर किया, और ओवरऑल एक सीरीज में इतने छक्के उसने मारे, रिकॉर्ड कायम कर दिया, अभी इंग्लैंड का पूरा हाल कर दिया छक्के मार मार के। तो जो टेस्ट क्रिकेट में छक्के मार मार के नहीं रुक रहा, वो T20 में उसको कैसे रोकेंगे। जी हिंद दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों कल जायसवाल ने मुंबई इंडियंस को मार मार के धुब्बा बनाया दोस्तों, सिर्फ 55 गेंदों में सेंचुरी जड़ के पूरी दुनिया का बताया T20 क्रिकेट में किस तरह बैटिंग करी जाती है। दोस्तों कल आपने मैच देखा होगा, हार्दिक पांड्या के खुद के गलती के कारण मुंबई इंडियंस लेट डाउन हुआ है, क्योंकि हार्दिक पांड्या जसप्रीत बुमराह को ओपनिंग बॉलिंग करने के लिए कभी नहीं दे रहा है। चलिए दोस्तों इस वीडियो पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है जानते हैं, और हम आपसे बात करेंगे वीडियो के बाद में। 7 छक्के उसने मारे आज, और वही जो 55-60 गेंदों के बीच में 100 आ जाना चाहिए, तो उसका आ गया 100, वो भी एंड पे, क्योंकि मैच दे वर 100% श्योर मैच जीता हुआ है, तो दे वर टेकिंग टाइम, चलो ठीक है अब मैं 100 के लिए जाऊं, जिसमें कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि टीम पहली सबसे टॉप पे है, नेट रन रेट पहली सबसे मतलब तगड़ा है, और आप अगर 1-2 गेंदे ले लेंगे इस सिनेरियो में, और टीम भी यही चाहती है, डगआउट भी इसी इंतजार में है कि जी आप 100 करें और आम तालियां बजाएं, तो कोई बात नहीं। अगर वो भी इसने बात करने का मकसद है 2-3 गेंदों में सिंगल के चक्कर में, वरना शायद चौका छक्का मार के और भी जल्दी कर लेता। बिलीव तो रखो पांड्या मियां, बिलीव ही नहीं रखा हुआ ना, बॉलिंग में बिलीव है आपको ना बैटिंग में बिलीव है, इंटरव्यू देखते हुए हंसते हो साफ बताता है कि कॉन्फिडेंस चेक हुआ हुआ है पांड्या में और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो इस टाइम पर है ना, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब आप मुझसे पूछेंगे क्यों, पांड्या को पता है मेरे पाए का ऑलराउंडर कोई है ही नहीं इस वक्त इंडिया में जो बॉलिंग भी करता है और बैटिंग भी करता है, कोई है नहीं, मैं तो लाजमी टीम में हूंगा। ये दिमाग का एक फतूर है, क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं होता है। अगर इंडियन सिलेक्टर ने ड्रॉप कर दिया ना, तो डूबे भी ऑलराउंडर बन जाएगा। बैड 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 कैप्टनसी, पक्का प्लेयर फॉर्म में आ गया, 59 बॉल में 100 करा, टॉप क्लास 100 करा जी, क्या छक्के कराए उसने, नबी को भी तो, चावला को भी तो, बुमराह को भी तो, कोहली जी को भी। जिस तरह जायसवाल का बल्ला खोला है यार, अनबिलीवेबल, मतलब यार उसने सेंचुरी लगाई, आपने देखा होगा जिस तरह उसने इंग्लैंड की दुराई की थी, उसके बाद IPL में पहली मरतबा जो है वो जायसवाल ने सेंचुरी स्कोर किया, और एक लंबा टारगेट 78 रन सिर्फ बाउंड्रीज के साथ, 7 छक्के 9 चौके यार, वही तो मैं देखता रह गया कि यार मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ, और बुमराह जैसे बॉलर जो दुनिया का आप कह सकते हैं कि नंबर 1 बॉलर है, उसको उसने फ्री हिट पर भी छक्का लगा दिया, मतलब बगैर किसी माफी के जो है उसने MI की धुलाई की है, और MI के सवाल तो तब से स्टार्ट हो चुका है जब से हार्दिक पांड्या ने उसकी कमान संभाली है। ठीक है, तान है हार्दिक पांड्या, वो लगातार ही टीम को गिरा रहे हैं, आज भी बॉल के साथ आए, 2 ओवरों में कुट खा गए, बैटिंग के साथ आते हैं, 10 बॉलों पे 10 रन बनाए, लेकिन अली साहब जो जायसवाल कमाल कर रहे हैं भाई, छक्के और चौकों की बारिश कर रहा है, हैरानी है इस टाइम टीम इंडिया के लिए, और परेशानी है, हैरानी इसलिए कि जायसवाल की बैटिंग देखकर हैरान हो रहे हैं, और परेशानी इसलिए कि भाई अगर जायसवाल को कैसे और किस मुंह से बाहर बिठाएंगे। 7 छक्के 9 चौके 174 के स्ट्राइक रेट से जायसवाल ने जड़ी है सेंचुरी, और 180 का टारगेट बहुत ही धीरे धीरे, आप कहो कि बहुत ही आसानी के साथ ये टारगेट को चेस किया है जायसवाल भाई। इस अगर आप इंडियन टीम में देखो तो कमी नहीं है यंगस्टर्स को, स्पेशली जायसवाल जैसे प्लेयर्स
कमाल कर रहे हैं यार। दोस्तों आपने इस वीडियो पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा। दोस्तों किस तरह पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता जयसवाल की खुलकर तारीफ करने पर मजबूर हो गई, क्योंकि दोस्तों जयसवाल ने मुंबई इंडियंस को मार मार के धुंबा बनाया। दोस्तों सिर्फ 55 गेंदों में सेंचुरी जड़ के पूरी दुनिया का बताया T20 क्रिकेट में किस तरह बैटिंग करी जाती है। दोस्तों कल आपने मैच देखा होगा, हार्दिक पांड्या के खुद के गलती के कारण मुंबई इंडियंस लेट डाउन हुआ है। मुंबई इंडियंस के हारने का मेन वजह बनी हार्दिक पांड्या, क्योंकि हार्दिक पांड्या जसप्रीत बुमराह को ओपनिंग बॉलिंग करने के लिए कभी नहीं दे रहा है। दोस्तों कल भी हार्दिक पांड्या खुद ओपनिंग बॉल करने के लिए आए थे, लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या को जयसवाल ने मार मार के धुंबा बनाया। दोस्तों इस पर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और भारत माता की जय।